जो है ये उसी के तहत नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत ही एआई स्कीम आती है। इससे पहले अभी हमने 1997 यानी कि 1997 में टारगेट पीडीएस प्रणाली लागू की गई। टारगेट पीडीएस प्रणाली के अंतर्गत जो है प्रत्येक परिवार को, भारत के प्रत्येक परिवार को, हर फैमिली को प्रति माह हमने कितना खाद्यान्न दिया गया, कितना खाद्य सामग्री दी गई, 35 केजी। ठीक है, 35 केजी जो है हमने खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। लेकिन किन लोगों को, जो एपीएल कार्ड और बीपीएल कार्ड धारक हैं, ये बीपीएल और एपीएल कार्ड धारक हैं, ठीक है, बीपीएल कार्ड धारकों को खाद्यान्न 33 किलो तो मिलेगा लेकिन सस्ते दामों में मिलेगा एपीएल की अपेक्षा। एपीएल को थोड़ा अनाज जो महंगा मिलेगा, इसमें गेहूं, चावल, केरोसिन, ये जो मोटे अनाज जो उपलब्ध कराए जाएंगे, या उनको खाद्यान्न सामग्री दी जाएगी, या फिर खाद्यान्न का जो वितरण किया जाएगा उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से, वो थोड़ा बीपीएल वालों को एपीएल की अपेक्षा सस्ता मिलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ये 2000 में एक कार्यक्रम और 2000 में और 2002 में, यानी कि 2000 में ये अन्नपूर्णा योजना 2000 में संचालित की गई और अंत्योदय अन्न योजना जो है 2002 में संचालित की गई। ये दोनों को योजना को संचालित उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा संचालित किया गया था। अब हम विस्तार से इन दोनों के बारे में समझते हैं कि स्कीम के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो, गरीबों को भारत में 35 किलो भोजन टारगेट पीडीएस के माध्यम से तो मिल ही रहा है। अब इसमें 2000 में एक स्कीम चलाई गई जिसे अन्नपूर्णा योजना के नाम से जानते हैं। कौन सी स्कीम? अन्नपूर्णा योजना। अब अन्नपूर्णा योजना में हमने कहा यह योजना हर किसी के लिए नहीं है, अन्नपूर्णा योजना हर किसी के लिए नहीं है, यह योजना सिर्फ उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, उन वृद्ध अवस्था वाले लोगों के लिए है, वृद्ध लोग, वृद्ध जन के लिए है जो 65, जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है, वृद्ध लोगों के लिए है, वरिष्ठ लोगों के लिए है, वरिष्ठ लोगों के लिए जिनकी आयु कितनी है 65 वर्ष से अधिक है और जिन्हें पेंशन नहीं मिलती है, जो उन्हें पेंशन भी नहीं मिलती है, ऐसे लोगों को, ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को सिर्फ भारत सरकार 10 केजी प्रति माह पर मंथ पर व्यक्ति अतिरिक्त भोजन, अतिरिक्त खाद्यान्न सामग्री, अतिरिक्त इसके अतिरिक्त अतिरिक्त खाद्यान्न वितरण किया जाएगा, अतिरिक्त खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। किस योजना के तहत? अन्नपूर्णा योजना के तहत, जिसे 2000 में लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत जो 65 से अधिक आयु की जो लोग है, उन लोगों को, यानी वृद्ध लोगों को, यानी वरिष्ठ लोगों को, जो पेंशन में जिन लोगों को नहीं मिलती है, उनको ये 35 किलो भोजन तो प्रत्येक परिवार को मिलता ही है, उसके अलावा 10 किलो पर व्यक्ति को, वरिष्ठ लोगों को 10 किलो खाद्यान्न सामग्री उनको उपलब्ध कराई जाएगी। किस योजना के तहत? अन्नपूर्णा योजना के तहत, सॉरी अन्नपूर्णा योजना के तहत। अब हम समझते हैं 2000 में ही एक प्रोग्राम और चलाया गया था जिसे हम अंत्योदय के नाम से जानते हैं, अंत्योदय अन्न योजना। अब इसमें जो कार्ड, इसका भी अलग से कार्ड है, अन्नपूर्णा योजना कार्ड धारक होंगे, ये 65 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं उन्हें अन्नपूर्णा योजना अलग से कार्ड जारी किया जाएगा। ठीक है, अब 2000 में ही योजना ये स्कीम लागू की गई 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। इसमें यह कहा गया, अब ये स्कीम की अलग विशेषता है, ये स्कीम की इस प्रकार अलग विशेषता है, आप इसको समझिए कि टारगेट पीडीएस के तहत हमने बीपीएल एपीएल वालों को, यानी कि गरीबी रेखा से रहने वाले लोगों को हमने अनाज दे दिया गया 35 किलो प्रति परिवार को प्रत्येक माह, और एपीएल यानी कि गरीबी रेखा से थोड़े ऊपर हैं, जो थोड़े गरीब तो है लेकिन मतलब गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों से उनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, उन्हें हम अबव ब्लू पॉवर्टी लाइन में रखते हैं। 35 किलो जो है हमने भोजन खाद्यान्न सामग्री उनको वितरण की गई, लेकिन हमने अन्नपूर्णा योजना के तहत 65 वर्ष से आयु के लोगों को, प्रति व्यक्ति को, प्रत्येक वर्ष नागरिक को हमने अतिरिक्त कार्ड बना दिया गया, जो जिन्हें पेंशन नहीं मिलती है, जिनकी आयु 65 वर्ष हो गई, जो वृद्ध लोग हैं उनको 10 किलो खाद्यान्न सामग्री अतिरिक्त रूप से वितरित की जाएगी, अतिरिक्त खाद्यान्न सामग्री वितरित की जाएगी। लेकिन अंत्योदय योजना के तहत यह कहा गया कि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबों में भी गरीब हैं, जो पुअरेस्ट पीपल हैं,
पुअरेस्ट पीपल अमंग द पुअर, गरीबों में भी गरीब है, तो गरीबों में भी मैं गरीब है, अत्यधिक गरीब है, अत्यधिक अंत्योदय सबसे अंतिम पायदान पर है, जो गरीबों में भी गरीब है, जो पुअरेस्ट पीपल है, जो गरीब होते हैं उनमें भी सबसे गरीब है, उन लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न दिया जाएगा। अतिरिक्त कितना? 35 kg पर मंथ, पर परिवार, पर प्रति माह, और प्रत्येक परिवार को तो अतिरिक्त दिया जाएगा। यह जो अंत्योदय अन्न योजना के तहत यह प्रावधान किया गया, यह स्कीम को इसलिए लागू किया गया कि अब जो है गरीबों में भी गरीब होंगे, जो गरीबों में भी गरीब है, अब ये नहीं सारे एक तरीके से सबको गरीब मान लिया, अब हमें ये राज्य सरकार डिसाइड करेगी, ये राज्य सरकार देखेगी कि लोग सबसे ज्यादा गरीबों में भी गरीब कौन है, उन लोगों को ईएपी कार्ड धारक जो होंगे उनको कार्ड जारी करेगी, यानी कि जो सबसे गरीब, गरीबों में भी गरीब है, यानी EY जो है उनको कार्ड जारी करेगी, और उन लोगों को, गरीबों में भी गरीब होंगे, उन लोगों को अतिरिक्त 35 kg यानी कि 35 kg प्रति परिवार को जो है खाद्य सामग्री उपलब्ध